हेलो एवरीवन, सीएनसी मशीन का रोबोटिक्स लेक्चर 2 की बात आज हम करेंगे। कल हमने थोड़ा सा इसमें इंट्रो दिया था कि रोबोटिक्स क्या होता है और रोबोटिक्स में कौन कौन से चीज़ें आती हैं और रोबोट हमने किस लिए बनाया, ठीक, इन तीनों की बात की थी। आज अगर थोड़ा सा परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो परिभाषा पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक। देखिए, रोबोटिक्स जो है रोबोट से संबंधित, ठीक, रोबोट से संबंधित जो क्षेत्र है वो रोबोटिक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और बाकी आपको हम बता ही चुके हैं, परिभाषा आप कई प्रकार से दे सकते हैं अपने हिसाब से, रोबोटिक्स क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत हमें पड़ी, ठीक, ये आप लिख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ रोबोटिक्स की, ठीक ना, कि रोबोटिक्स में कितने चरण होते हैं, कितने चरणों का प्रयोग करके हम एक रोबोट को बना सकते हैं और चला सकते हैं, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग की, ठीक, डिज़ाइनिंग के बाद पार्ट मेकिंग, ये देखिए अब पार्ट मेकिंग की बात हो रही है, फिर उसके बाद असेंबल ऑफ पार्ट्स की, ठीक, असेंबल ऑफ पार्ट्स के बाद पार्ट प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम फीड लिख सकते हैं इसको, हम प्रोग्राम फीड, ठीक। प्रोग्राम फीड करने के बाद हम क्या करेंगे, मोशन गिवन सेंसर द्वारा, एक्चुएटर द्वारा या अन्य, फिर इसके बाद जब आपका मोशन मिल जाएगा, इस मोशन को देखिए, ये मोशन जो है हम देने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, पावर डिवाइसेस, ठीक। तो ये भी इसमें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लिख सकते हैं। मोशन के बाद कंट्रोलिंग ऑफ मोशन डिवाइसेस, फिर आपका वर्क, ठीक। डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइनिंग से पहले भी एक टर्म, डिजाइनिंग से पहले एक टर्म कौन सा आता है, प्लानिंग, ठीक। तो आपको परेशान नहीं होना है कि सर ये क्या कहते हैं कि प्लानिंग भी इसमें है क्या, देखिए प्लानिंग है भले ही, अब प्लानिंग की बात करें तो और फिर क्या कहते हैं कि प्लानिंग से पहले एस्टिमेटिंग कास्टिंग हर चीज़ को थोड़ी इसमें जोड़ना है हमें, प्लानिंग किए फिर जो खर्चा है वो जोड़े वो नहीं पढ़ना है हमें, हम यहाँ बात करेंगे सीएनसी की, ठीक। सीएनसी मतलब कि ऑटोमेशन की बात यहाँ पर हमें केवल करनी है, ठीक ना। डिजाइनिंग बाद पार्ट मेकिंग, फिर असेंबल ऑफ पार्ट्स, फिर पार्ट प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद मोशन गिवन डिवाइसेस, फिर कंट्रोलिंग ऑफ मोशन डिवाइसेस, ठीक, और फिर उसके बाद आप जो वर्क चाहते हैं वो वर्क होगा, ठीक ना, जैसा आपने प्रोग्राम में फीड किया उस हिसाब से आपका वर्क होगा, ठीक ना। अब आप क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे टर्म्स ऑफ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स के चरण, ठीक, रोबोटिक्स के चरण हेडिंग डालने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे कि रोबोट से या अपने कार्य को संपन्न कराने के लिए रोबोट में उपयोग किए गए चरण निम्न हैं। पहला लिखिए डिज़ाइन, दूसरा लिखिए पार्ट मेकिंग, तीसरा लिखिए असेंबल ऑफ पार्ट्स, हिंदी में भी लिख सकते हैं अभिकल्पन, पार्ट्स को बनाना, अंगों को बनाना, अंगों को जोड़ना, पार्ट प्रोग्रामिंग, मोशन देने वाले अवयव, कंट्रोलिंग ऑफ मोशन डिवाइसेस जैसे बैटरी हो गई, ठीक, और फिर उसके बाद आपको जैसा कार्य करना है वैसा कार्य मिलेगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं, समझ में आया कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग करने के बाद पार्ट प्रोग्रामिंग, फिर असेंबल ऑफ पार्ट्स, फिर पार्ट प्रोग्रामिंग, पार्ट मेकिंग के बाद असेंबल ऑफ पार्ट्स, फिर पार्ट प्रोग्रामिंग, फिर मोशन गिवन, फिर कंट्रोलिंग। तो पहले आप लिखें डिजाइन, अभिकल्पन, दूसरा पार्ट्स को बनाना, तीसरा असेंबल ऑफ पार्ट्स, पार्ट प्रोग्रामिंग, ऐसा करके आप लिख लीजिए। और पहला आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये बना लें, हाँ इसको बना लीजिए, ठीक, फ्लो डायग्राम यहाँ लिख सकते हैं और फिर उसके बाद इसको बना दीजिए उसी में, ठीक ना, और फिर पहला हेडिंग डाल दीजिएगा डिजाइन,
डिजाइन हेडिंग डाल दीजिए, और डिजाइन हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा, डिजाइन हेडिंग डालने के बाद लिखिए रोबोटिक्स के अंतर्गत, रोबोटिक्स के अंतर्गत हमें अपने इच्छा अनुसार, हमें अपने इच्छा अनुसार कार्यों की पूर्ति हेतु, अपने इच्छा अनुसार कार्यों की पूर्ति हेतु सर्वप्रथम उसके अभिकल्पन की जरूरत होती है, सर्वप्रथम उसके अभिकल्पन की जरूरत होती है जिसे डिजाइनिंग के अंतर्गत रखा जाता है, एवं इस डिजाइन को तैयार करके अपने अगले चरण में भेज दिया जाता है। ठीक, डिजाइन हो गया आपका। दूसरा पार्ट मेकिंग, लिखिए डिजाइन द्वारा प्राप्त पैरामीटर्स, डायमेंशन एवं अन्य मेकिंग भागों को, अन्य मेकिंग भागों को, अन्य मेकिंग या बनाने वाले भागों को बनाने की प्रक्रिया इस चरण के अंतर्गत पूर्ण की जाती है। इसमें पैरामीटर के हिसाब से उनके अंगों को तैयार किया जाता है, एवं इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले मशीनों एवं ऑटोमेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है तथा प्रत्येक पार्ट को बनाकर इंस्पेक्शन कर लिया जाता है, एवं असेंबल करने के लिए अगले विभाग में भेज दिया जाता है। अब अगला पता ही आपको कौन सा है, तीसरा पॉइंट, असेंबल ऑफ पार्ट्स। ठीक, असेंबल ऑफ पार्ट्स। देखिए पार्ट प्रोग्रामिंग में बने हुए अंगों को ज्वाइंट किया जाता है, जैसे मानव वाले रोबोट को हाथ पैर जोड़ने के लिए, हाथ पैर जोड़ने के लिए ग्रूव का इस्तेमाल करके असेंबल कर देते हैं, एवं असेंबल करने के पश्चात वांछनीय गतियां कराकर चेक कर लिया जाता है, जिससे कि कार्य संपन्न होने पर कोई समस्या उत्पन्न ना हो, जिससे कि कार्य समस्या हो, कार्य पूर्ण होने पर कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक, ये तीसरा हो गया असेंबल ऑफ पार्ट्स। अब आपका चौथा क्या है, पार्ट प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम फीडिंग। ठीक, चौथा आपका है प्रोग्राम फीडिंग। इसमें भी लिख लीजिएगा पार्ट्स को जोड़ने के पश्चात एक और दूसरे विभाग में उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को एक प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है, जिसके लिए टैप रीडर एवं
टैप रीडर एवं अन्य कॉर्ड रीडर इत्यादि का इस्तेमाल करके उसे उसमें लगा दिया जाता है, जिससे जिस प्रकार का गति चाहिए उसे उसी प्रकार का गति होने दें। ठीक, चलिए 4 पॉइंट हो गए आपके। कल जो है कोशिश करेंगे 3 और पॉइंट बता दें, या फिर जितने भी बचे हुए पॉइंट हैं उनको बता दें। बताने के बाद नेक्स्ट पे हम कोशिश करेंगे कि आपको डिपार्टमेंट जितने भी हैं, कौन कौन से विभागों की सहायता ली जाती है, उनको ले करके रोबोट को बनाने में जो सहाय जो जो मतलब क्रियाएं होती हैं उन्हें बताएंगे। ठीक, फिर उसके बाद रोबोटिक्स में एक दो आपके CIM को बताना है, वो सब बता करके हम ख़त्म करेंगे और फिर नेक्स्ट हल्का फुल्का जो बचा रहेगा उसको कर देंगे, तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और पूरी किताब आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आप इसको तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक, घर में रहिएगा, सब लोग सेफ रहिएगा। ओके, थैंक यू।